नहीं, लेकिन राजीव रंजन जी वो कह रहे हैं कि सारा खाका यही है। वो दरअसल ये कहना चाहते हैं कि अभी इतनी समस्याएं हैं, इतने संकट हैं कि भविष्य के बारे में कुछ सोचना, प्लान करना अपने आप में एक व्यर्थ प्रयास है। 1947 में आज से बहुत ज्यादा संकट था। 1947 की तुलना में आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, और उस समय हम गरीब देश थे, फिर विकासशील देशों की कतार में आए, आज हम विकासशील देशों से भी ऊपर उठने की तरफ जा रहे हैं। हम बहुत सारे मामलों में तमाम विकसित देशों से कंधे से कंधा रगड़ करके प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वैसे स्थिति में आप कहेंगे नहीं 25 साल बाद की विजन की ठीक है, तो ये दूरदर्शी योजना आपको नजर आती है जिसका आने वाले वक्त में भारत को फायदा होगा, ये आप कह रहे हैं। लेकिन चारु प्रज्ञा मुझे ये बताइए कि कोरोना काल का दर्द इस वक्त देश ने झेला और अभी भी झेल रहा है, लोअर मिडिल क्लास पर कितना असर पड़ा, किस तरह से नौजवानों की रोजगार पर संकट खड़ा हुआ, लोगों की नौकरियां गईं, लोगों की सैलरी में कटौती हुई, कामगार वर्ग की हम बात कर लें वो पलायन के लिए मजबूर हुआ। लेकिन इस बजट में हम देखते हैं कि मनरेगा फंड में 25,000 करोड़ की कटौती कर दी जाती है, 1,00,000 करोड़ से 2 साल में घटकर 73,000 करोड़ हो गया बजट। मतलब फौरी राहत के नाम पर तो इस वक्त जनता उम्मीद कर रही थी ना कि जख्मों पर मरहम लगाया जाएगा, अब 25 साल बाद क्या होगा इसके लिए तो 25 साल का इंतजार करना पड़ेगा ना हमें। नहीं समीर जी, देखिए पहली बात तो ऐसा है कि जब हमारे देश ने एक इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया था, 3,00,000 करोड़ का वो पैकेज था, वो जनता की सहायता के लिए ही था। और उस समय पर जब इकोनॉमिक डिप्रेशन पूरी दुनिया में चल रहा था, उस समय हमारे देश के नागरिकों को उस पैसे की बहुत और हमारी सरकार ने वो पैसे दिए। देखिए आप हमारी तुलना अगर आप अमेरिका से करें या यूरोप के किसी बहुत डेवलप्ड और रईस देश से करें, उसकी तुलना में आप ये देखिए कि हमारे देश ने जिस तरीके से कोरोना से डील किया, बीमारी से भी और अर्थव्यवस्था से भी, हम बहुत अच्छे तरीके से इस संकट में से निकलते आ रहे हैं। आज की तारीख में भी जब इकोनॉमीज नीचे जा रही है, हमारे देश की इकोनॉमी डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, और ये बहुत बड़ी चीज है, और ये हमारी सरकार की दूरदृष्टि नजर की वजह से ही है। आज हम बोल रहे हैं 25 साल, लेकिन देखिए 25 साल तक जाते जाते जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं क्या उसमें नौकरियां नहीं मिलेंगी? 25 साल तक जाते जाते हम लोग जो ग्रीन फंड की बात कर रहे हैं, हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्या उसमें नौकरियां नहीं मिलेंगी? स्टार्टअप्स को कितना कुछ मिल रहा है इस वाले बजट से? आप जानते हैं पिछले साल जब इतना ज्यादा संकट था इकोनॉमिकली, हमारे देश ने 40 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स बनाकर दिखाए स्टार्टअप की दुनिया में। 40 यूनिकॉर्न हमारे देश से आए, तो उसका मतलब यह है कि जो माहौल बनाया जा रहा है, सरकार जिस तरीके से हैंड होल्डिंग कर रही है। अंजीत, देखिए ये बात बार बार हो रही है और एक 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 लाइन, एक बॉटम लाइन है कि भाई चुनाव है सिर पर और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का चुनाव है, ऐसे में सरकार के पास एक अवसर आता है बजट पेश करने का, तो ये अक्सर देखा जाता है कि लोग उस नजरिए से भी उसको देखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस बजट से कहीं कोई चुनावी फायदा भी मिल सकता है बीजेपी को, उत्तर प्रदेश में खासकर, या चूक गई मौका बीजेपी को? नहीं तो मैं बीजेपी का पक्ष थोड़ी लूंगा। नहीं, कहां चूक गई, कहां कमी रह गई जहां जनता नहीं सुनेगी, इसको रिजेक्ट करें। कमियां ही कमियां हैं। एक तो मैं आपको बताऊंगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 5.5 लाख करोड़ था, वो 7.5 लाख करोड़ हो गया है, वो बात सही है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपकी जो मांग है वो बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड जिसको कहते हैं वो बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ेगा तो फिर उपयोगिता बढ़ेगी, रोजगारी मिलेगी, और फिर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो फिर पटरी पे आ पाएगी। लेकिन ये नौकरी मिलेगी कब, प्रोजेक्ट कब पास होंगे? आप एक प्रोजेक्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो पास करना पड़ता है, टेंडर आता है, फिर नौकरी मिलती है, फिर तनख्वाह मिलती है, फिर जाके खर्च होता है। भविष्य की बात आप बार बार कर रहे हैं यहां पर, अभी जरूरत है लोगों को पैसों की, और अगर पैसे जरूरत लोगों के हाथ में नहीं आएंगे, एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपने यहां पर एक विज्ञापन चलाया था कुछ देर पहले आप ही के चैनल में, छत्तीसगढ़ का एक न्याय योजना थी, चारू जी ने भी न्याय योजना की बात की। हम न्याय योजना पे क्यों इतना तवज्जो दे रहे हैं?